बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अब आ चुके हैं अपने सेटअप पे, काफ़ी लेट हो गए हूँ। वो देख रहे होंगे हमारे घूम रहे हैं माशाल्लाह से, खूबसूरत लग रहे हैं, बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बहुत ठंडा है और इधर ये देख रहे होंगे हमारे जो है ना कबूतर भी लगे, बिजनेस भी हमारे अल्लाह का शुक्र ठीक है, फिट फाट हैं। अब केजेस गंदे हुए हैं, आजकल इंशाल्लाह इनकी सफाई भी करनी है। तो आपको दिखाते हैं हमारे जो है ना शेर और मुर्गी भी बैठे हैं, मुर्गी और बच्चे बता रहे हैं कि फिर आज डिलीवरी लिया थोड़ी सी। जी दोस्तों आप देख रहे होंगे, जी मैं दोस्तों बता रहा था कि हमारे जो है ना शेरू और मुर्गी भी अल्लाह का शुक्र ठीक है, लेकिन मुर्गी थोड़ी सी डिलीवरी लिया। आपको दिखाते हैं उसको क्या मसला है, वो थोड़ी सी डिलीवरी लिया, पता नहीं क्या है, इसको देखता हूँ। अभी बच्चे मुझे बता रहे थे, मैं ज़रूरी काम से क्या हुआ था तो अभी आया हूँ, तो वीडियो बनाते हुए अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसको क्या प्रॉब्लम है। और ये देखें साथ ही इसको आप देख रहे हैं कि जो है ना हमारा शेरू बिल्कुल ठीक है और ये मुर्गी को पता नहीं क्या मसला है, इसे ढीली ढीली है। आगे होकर देखते हैं इसको क्या मसला मसाइल है। तो अब तो वैसे तो ठीक लग रही है, इसको बुखार लग तो नहीं रहा, उसके ऊपर चढ़ नहीं पड़ी है इसको। ये देखें ये क्या कर रहा है, चलें इसको बाद में देखते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए रानी खेत का टीका होता है, वो मैं लेके आया हूँ जो कि इसको पिलाते हैं, तो आज वो लेके आए हैं। तो आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चे साथ होंगे मेरे, शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अकेले बंदे की बात नहीं है। आपके सामने उसको खोलेंगे, बनाएंगे और फिर इनको पिलाएंगे, तो कल की डेट में इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल हम जो है ना अपने कबूतरों को आज़ाद करते हैं, कबूतरों की तरफ चलते हैं, देखते हैं इनका दाना बनी पूरा है, तो चलते हैं लकी बिजनेस की तरफ। तो अभी ये देखते हैं बाहर आते हैं कि नहीं, उनके बच्चों ने इनको थोड़ा सा बाहर इंजॉय करवाया था, और लगता नहीं है बाहर आए क्योंकि शाम का टाइम है, मगरिब का टाइम है, ये मगरिब का टाइम हो रहा है। तो थोड़ा हम इनके पास चले जाते हैं, पानी वगैरह पूरा है, दाना भी पड़ा हुआ है। और ये देखें जी माशाल्लाह से अपने अपने दरबों के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो देखें वो भागी भागी बाहर आई है, बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर वहीं खड़ी हो गई है क्योंकि शाम का टाइम है। पेट्स वगैरह जो है ना शाम के टाइम काम भी इंजॉय करते हैं, बस एक जगह स्टिल होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोना भी होता है, इंजॉय भी करना होता है अपनी नींद को। तो आपको दिखाते हैं कुमरे, चलते हैं कुमरों की तरफ। कुमरों का केज ओपन करते हैं, इनका पे जो है ना बेबी भी देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है, इसकी ग्रिल गिरी हुई है इनकी, उनको भी जरा साइडों पर स्पॉट लगाते हैं। ये देखें जी ग्रिल नीचे आ चुकी है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं ये, और इनका जो है ना बेबी भी माशाल्लाह से ठीक है। ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल स्टिल हो गया, एक जगह पर बैठा हुआ है, और बाकी कुमरे भी मारे जो है ना सेट हैं, बात करेगा ये अंडे बच्चे देते रहे और ग्रोथ बढ़ती रहे, पैदावार बढ़ती रहे इनकी। तो देखें जी इसमें पानी नहीं है, मेरे हाल से पानी गिरा दिया इन्होंने, पानी बिल्कुल भी नहीं है इनमें, दाना पड़ा हुआ है। ये हमारे टोटल सात परिंदे हैं, आठवां ये है जो बेबी है बिल्कुल छोटा सा, तो खुदा करे ये बढ़ते रहे, खूबसूरत लग रहे हैं। कल आपको मैंने बताया था क्योंकि आपने शायद थोड़ा सा देखा भी होगा कि नहीं दिखा सके, क्योंकि जब ये उड़ने लगता है तो कुछ भी नहीं देखते वीडियो शीडियो, ये वीडियो बना रहे हैं बस, यही होता है कि अब इसको हम रिकवर कर ले जाके। ये देखें खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से, और ये एक लका पिजन बाहर आ चुका है, थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं बाहर, और हम लोग को मैंने आपको दिखा दिया माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है इनकी। अभी ग्रिल जो है ना सेटमेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक हाथ मोबाइल पकड़ के इसको सेट कर लें। जी दोस्तों उम्मीद है कि ये एडजस्ट हो गई है, आप नहीं गिरेगी। वो देखें खुमरा या खुमरी बिल के ऊपर बैठी हुई थी, वो उसको उसी की उसी तरह बैठे, थोड़ा सा डरे हैं, ये देखें कैसे बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ गए हैं। और खुदा करे इसका जो है ना बेबी भी ज़्यादा जल्द बड़ा हो जाए, और वो भी जो है ना ब्रीड करे और ज़्यादा ज़्यादा अंडे बच्चे हों,
ये जो ग्रिल लगी है ये इसलिए गिर जाती है कि इस साइड से इसकी स्पॉट नहीं है, दूसरी साइड से है, लेकिन उस स्पॉट के अंदर नहीं है, स्पॉट से बाहर है। तो इंशाल्लाह इसको कल की डेट में मीरे सेट करेंगे, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ा, मैं अकेला हूँ, एडजस्ट नहीं कर सकूँगा, कहीं ये बाहर ना उड़ी ना जाए कहीं। और ये देखें सारे एक जगह पे कोने पे जाके बैठ गए हैं, और आप चलते हैं लगे पिजन्स की तरफ। माशाल्लाह से ये खूबसूरत लग रहे हैं, इनका भी केज आ गया कि से गंदा हुआ है, पीछे से फिर भी साफ है, ये दाना पड़ा हुआ है सारा। तो चलते हैं लगे पिजन्स की तरफ। ये लगे पिजन्स की तरफ आ गए हैं, लगे पिजन्स अभी बाहर आना पसंद नहीं कर रहे। ये देखें ये अभी केज के अंदर ही इंजॉय कर रहे हैं, ये बाहर आने को दिल नहीं कर रहा इनका, क्योंकि मैंने आपको बताया मगरिब का टाइम है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ रहे, तो इस तरह ये बाहर नहीं आते। भाई एक चीज़ का डर है दोस्तों कि ये जो है ना मुर्गियाँ वाले कहीं मुर्गे में ना आ जाए, मसला ना कर जाए, ये टेंशन है ये बहुत बड़ी। इसको ट्रीटमेंट जो है ना आज ही करना पड़ेगा, कोशिश करते हैं आज ही करते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके लिए मैं रानी का टीका लेके आया हूँ, वो लगाते हैं इसको, बल्कि लगाना नहीं पिलाना है, तो रानीगेर का इंजेक्शन दोनों को पिला देंगे, कोशिश करेंगे, उसे मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, उनको साथ साथ वीडियो भी बनानी है और इनको ट्रीटमेंट भी इनका करना है और इनको पकड़ के भी रखना है असल में। जी दोस्तों आप देख रहे होंगे मुर्गे मैंने बाहर निकाल, अपने शेरों को बाहर निकाल दिया, और ये मुर्गी भी ढीली ढीली है काफ़ी, ये देखें जी, ये देख रहे होंगे मुर्गी को मैंने बाहर निकाला, और शेरू भी जो है ना उसको बाहर निकाल दिया मैंने। इन दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इनको जो है ना वैक्सीन देनी पड़ेगी रानी केज की, तो मैं उसको लेके आता हूँ, इनको कोशिश करते हैं पिलाने की, इनको पिलाते हैं, चलते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ। तो दोस्तों ये देखें ये बिल्कुल स्टिल हो खड़ी है, थोड़ी सी एडजस्ट हो गई थी ये, लेकिन फिर ढीली ढीली है, लेकिन इनका फीवर इसको है नहीं है, लगता नहीं है, थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है, पर इसको वैक्सीनेशन करते हैं इसकी रानी खेत की, पापा। तो मैं लेके आता हूँ जाके। जी फ्रेंड्स मैं बता रहा था आपको कि शेरू जो है ना वो अपने केज में जा चुका है, वो मैंने कहा रहा था वो मुर्गी को, और शेरू जो है ना वो अपने पिंजरे में से बाहर आ गया था डर के, तो पता नहीं अब क्या करने लगे हैं, डरता बहुत है। और मुर्गी करते हैं ट्रीटमेंट, चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, और ये मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा शेरू केज के अंदर आ चुका है, और यह देखें मुर्गी भी देखा देखी अंदर जा चुकी है, ये देखें जी, क्योंकि ये अंडा वगैरह भी नहीं दे रही, अंडा भी बिल्कुल नहीं दे रही, इसका जो है ना जिस्मानी तौर पे ठीक नहीं है, बिल्कुल ढीली ढीली है। जी दोस्तों ये रानी खेत का ये इंजेक्शन है, और ये रिसेंट ले आया हूँ, और इसका ट्रीटमेंट अभी करते हैं, और इनका टाइम शुरू हो गया जाने, और इनकी सारी इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।